नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वेब डिजाइनिंग कोर्स का जो वीडियो है, इसमें हम देखेंगे HTML वर्सेस HTML 5 के बारे में। वैसे अगर मैं HTML 5 की बात करूं तो बहुत सारी चीजें वहां पे अवेलेबल हैं देखने के लिए, करने के लिए, लेकिन जो है हम बेसिक एक डिटेल ही जानेंगे, क्योंकि बाकी सारी डिटेल में जो है वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें सारी चीजें जो है क्लियर होती चली जाएंगी। तो आज बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं HTML और HTML 5 के अंदर, उसके बारे में हम जानेंगे। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और भी बता दूं कि HTML से रिलेटेड जो चीजें हमने करनी थी वो हमने वीडियोस ला चुके हैं, और बाकी की जो चीजें बची हुई हैं वो साथ साथ में जैसे हम आगे बढ़ेंगे करते चले जाएंगे, क्योंकि ये HTML को लेके जो है लास्ट वीडियो। अब जो है हम CSS की तरफ बढ़ेंगे, तो CSS का क्या काम होता है, कैसे होता है, ये हम अगले वीडियो से जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो है HTML यहीं पे, आज का ये लास्ट वीडियो HTML का। बाकी सारी चीजें हम जो है जैसे कि HTML CSS, फिर HTML CSS JavaScript, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो दोस्तों, चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि HTML वर्सेस HTML 5 क्या डिफरेंसेस हैं। सो दोस्तों, हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, एज यू कैन सी ये वही पुराना फॉर्म है जो हमने डिजाइन किया था HTML के लिए। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ HTML वर्सेस जो है HTML 5 के अंदर क्या नए फीचर्स अवेलेबल हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे, आपको मैं लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से विजिट करके देख सकते हैं, या फिर आप nirankarinfotech.com पे जाके जो है टैब एक मिलेगा आपको जो कि है वेब डिज़ाइनिंग का, वहाँ पर भी जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये जो है एक कुछ न्यू सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं जो HTML 5 में यूज़ किए जाते हैं। और बेसिकली अगर मैं बात करूं कि अगर हमारा ये जो पेज है, ये जो हमारे पेज है, अब इसके अंदर हमने हेडर फुटर ये सेक्शन तो बना दिए, लेकिन ये जो बॉडी टेक्स्ट है, बॉडी कट जो टैग हैं, इसके अंदर भी जो है बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, और जितने भी गूगल या कितने जो भी सर्च इंजन्स के क्रॉलर्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं, उनको क्रॉल करने के लिए जो है वो बेसिकली हमारे इन कोडिंग के जरिए ही पूरा आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे पेज को रीड करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम ये चीज़ भी स्पेसिफाई करें कि हमारा हमारा जो पेज बना है उसकी बॉडी के अंदर भी कौन सा सेक्शन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे ये हेड लिखा है तो ये हेड का एक मीनिंग है, बॉडी लिखा है तो बॉडी का एक मतलब है। तो वो ये हेड और बॉडी से तो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये बॉडी सेक्शन है, ये हेड सेक्शन है और ये HTML है, ठीक है, ये टाइटल है। तो इसी तरह से बॉडी के अंदर भी जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिफाइन करने के लिए। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये W3 स्कूल का एक .com का एक वेबसाइट है जो कि काफ़ी अमेजिंग है, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी एज अ डेवलपर, आपको जो है काफ़ी एज अ डिज़ाइनर आपको काफ़ी ज़्यादा इससे चीज़ें जो है हेल्प कर मिलती रहेगी। सो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होंगी, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे आपको जो है div id=nav, div class=header, div id=footer जो है ये इस तरह के टैग देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली जो है इनके अलग अलग जो सेक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, पूरे पेज के जो बॉडी के सेक्शंस हैं उनको डिफाइन करने के लिए जो है ये इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन HTML के अंदर जो है ये चीज़ें जो हैं अलग से कुछ एलिमेंट्स, सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं जिनका अगर इस्तेमाल करें तो हमें ये जो है NAV फुटर ये DID ID के अंदर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हेडर सेक्शन है तो उसको आपको हेडर डिफाइन करना है, जहाँ पर आपका मेन मेन्यू आ रहा है, जहाँ से आपके लिंक हो रहे हैं टॉप मेन जो लिंकिंग है सारे पूरी वेबसाइट की या एप्लीकेशन की, तो उसको आप जो है NAV के अंदर जो है रैप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेक्शन आता है, आर्टिकल आता है, असाइड बोले तो ये साइड का पैनल हो गया, देन फुटर आता है। तो ये जो है ऐसे बहुत सारे और भी ये आप देख सकते हैं, आर्टिकल है, साइड है, डिटेल है,
ठीक है, फिक कैप्शन है, फिगर है, फुटर है, हेडर है, मेन है, मार्क है, एनएवी है, सेक्शन है, समरी है, टाइम, ऐसे बहुत सारी और भी सेमेंटिक एलिमेंट्स जो एचटीएमएल 5 के अंदर जो है देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि आगे जब हम कोर्स में बढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी जगह पे हम जो है एचटीएमएल 5 के ही ये एलिमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। तो यही चीज़ जो है मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आगे चल के जब हमारे वीडियो में ये चीज़ें आपको देखने को मिले तो आप सरप्राइज ना हो, क्योंकि ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी तक ये खैर इम्प्रूव नहीं हुआ है क्योंकि ये एक नया चीज़ है, तो अभी तक ये कितना ये SEO फ्रेंडली है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन मानना यही है जो इसको क्रिएशन किया गया है, जो इसको लेके आए हैं, तो ये सेमेंटिक एलिमेंट्स जो हैं ये बेसिकली सर्च के अंदर जो हमारी रैंकिंग्स वगैरह हैं जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का भी आगे फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकता है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर सब आगे बढ़ने से पहले इस एलिमेंट्स को डिफाइन करने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो है अगर सपोज़ कर लो कोई HTML पेज है हमारा, उस पर बहुत सारे अलग अलग जो हमारे वेब डिज़ाइनर्स हैं या वेब डेवलपमेंट टीम जो है वो काम करती है, तो वहाँ पे जो है अलग अलग सेक्शंस को जो है अलग से एक बना दिया जाता है। वो कैसे बनाया जाता है अगर आपको मैं बताऊँ, उसको कहते हैं कमेंट्स, ठीक है, कमेंट टैग कहते हैं उसको। तो ये लगा के इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के दो बार ये डॉट लगाएंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो है अभी डीएक्टिवेट टाइप का हो गया है। तो यहाँ पे आपको जो भी कमेंट लिखना है यहाँ पे हम लिख सकते हैं रजिस्टर फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी आपको लिखना है। इसको क्लोज करना है तो आपको ये डबल लगाने के बाद आपको ये ब्रैकेट जो है क्लोज कर देनी है। तो देख सकते हैं कि ये कमेंट जो है वो यहाँ पे आ चुका है और ये जो वापस से एक्टिवेट हो चुका है। वे सेम चीज़ जो अगर इसको ख़त्म करना है, एंड करना है, तो उसका भी एक तरीका है। तो ये जो है आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे आप, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप लिख दीजिए रजिस्टर। ये बैकस्लैश लगाने का ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि यहाँ पे जो है इसका एंड हो रहा है। अदरवाइज कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारों को मैंने देखा है, वो ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट और यहाँ पे लिखेंगे एंड। तो ये स्टार्ट और एंड लिखना बहुत ही अच्छा नहीं लगता है एक, तो इसीलिए जो है यहाँ पे जहाँ पे से आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे बैकस्लैश नहीं लगता है और जहाँ पे वो एंड होता है वहाँ पे एक बैकस्लैश लगा दिया जाता है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि ये टैग्स के अंदर भी जो है एक बैकस्लैश लगता है जिसके ज़रिए वो टैग जो है क्लोज होता है। तो सेम चीज़ जो है यहाँ पर भी डिफाइन करी जाती है। अब ये जो है ये तो हमने टाइप किया, अब ना जाने हमारे पेज के जो है कितने सारे सेक्शंस होंगे, तो उन सभी सेक्शंस के अंदर जो अगर हम इतना ये करके करने लगे तो काफ़ी समय जो है इसमें कंज्यूम होता है। तो इसके लिए जो है आप कंट्रोल, जहाँ पे भी आपको ये कमेंट डालना है वहाँ पे आप इसको कंट्रोल और बैकस्लैश जो है वो आप दबाएंगे तो आपको जो है ये कमेंट स्टार्ट और एंड मिल जाएगा। बीच में आपको सिर्फ आपका जो भी कंटेंट है, जो भी आपको कमेंट लिखना है, तो ये आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया रजिस्टर, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है इसको लिख सकते हैं। अब सपोज कर लो ये कमेंट का सिर्फ यही काम नहीं कि हम कमेंट करते हैं, इन टैग्स का एक और भी मतलब है। वो मतलब ये है कि ये कोडिंग को अभी मुझे यूज़ नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल और बैकस्लैश दबाऊँगा, तो आप देख सकते हैं ये सारी कोडिंग जो है ये मेरे फॉर्म के अंदर अवेलेबल तो होगी लेकिन ये काम नहीं करेगी। चलिए देखते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करके अभी जो हमारा एक्टिव था वो ये था, अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं वो सारी कोडिंग पेज पे अवेलेबल है, यहाँ पे हमारी HTML के कोड के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आपको व्यू सोर्स करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो ये कमेंट का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है। वापस से आपको इसको हटाना है तो यूज़ करनी है कोडिंग, आपको वापस से कंट्रोल दबाना है, वापस से वही बैकस्लैश दबाएंगे तो ये कमेंट जो सेक्शन है वो हट जाएगा। तो ये एक बताना भूल गया था HTML के अंदर, टैग्स के अंदर, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि अभी हमें ये जो है सेक्शन अभी हटा देते हैं, इसको हम जो है कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं। और यहाँ पे जो अभी HTML 5 के अंदर जो यूज़ होने हो रहे हैं वो है हेडर, ठीक है। ये हेडर जो है, ये हमारा हेडर जो सेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं H1 या H2, जो भी आपको लिखना है लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये H1 हो गया, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं रजिस्टर।
तो ये एक हेड, इससे क्या पता चला कि ये एक हेडिंग है, ये जो साइड है इसका जो है ये हेडर सेक्शन है पेज का। तो जब भी वो क्रॉलिंग होगी तो अब एनएवी जो है लिखना है, तो यहाँ पे हम एनएवी लिखेंगे। तो इसके बाद जो भी हमें बनानी है, जैसे कि यूएल लिख देते हैं, उसके अंदर फिर हम लाइन लिख देते हैं। तो ये करने के बाद जो है हमें यहाँ पे एक टेस्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है, टेस्ट लिख दिया हमने। तो इसको यूएल को क्लोज कर लेते हैं, सॉरी यूएल को क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमारा यूएल जो है क्लोज हो गया। अभी हमारा एनएवी को भी क्लोज कर देते हैं। ये हमारा एक नेविगेशन सेक्शन डिफाइन हो गया। तो ये हमारे जितने भी क्रॉलिंग सिस्टम्स हैं उनको जो है काफ़ी हेल्प मिलती है इससे, कि वो जो है इसको, अब फुटर को डिफाइन करना, तो आपको फुटर लिखना है। यहाँ पे फुटर में हम लिख देते हैं ऑल राइट्स रिजर्व बाय मंजीत सिंह, जो भी आपको लिखना है, एक एग्जांपल के लिए मैंने बनाया। तो ये जो सेक्शंस हैं इससे ये पता चलता है कि ये जो है ये फुटर है, ये जो है एनएवी के अंदर है वो एक नेविगेशन सेक्शन है, और हेडर जो है वो जहाँ पे हेडर लिखा है तो वो एक हेड सेक्शन है इस पेज का। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो आई हो थॉट कि यार आपको पहले से बता दूं कि हम जो है HTML5 का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनके अंदर आपको ये सारे सेक्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, बहुत कम यूज़ होते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे वेबसाइट जो हैं कुछ अभी रीडिज़ाइन नहीं हुई हैं जो काफ़ी समय से, और जो नई डिज़ाइन हो रही हैं तो वो मोस्टली जितने भी नए डिज़ाइनर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है अभी करते जा रहे हैं। और काफ़ी अच्छा है कि हमारे पूरे पेज को जो है अलग अलग सेक्शंस में डिफाइन किया जा सकता है। सो दोस्तों, आई होप कि ये जो है HTML के अंदर जो है बहुत ही सिंपल था, जैसे कि ये जो है ये HTML5 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और HTML जो था वो ये था। तो HTML के अंदर जो है उसके मेन जो एक थंब रूल बना हुआ है वो तो था ही, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं डिफाइन करना वो उसके अंदर नहीं था। तो ये जो है HTML5 के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को आगे मिलेंगी। और ये था हमारा लास्ट HTML के ऊपर, और साथ साथ में हम HTML में भी आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी जो है आगे हम अगले वीडियो से जो है हम CSS की तरफ भी बढ़ेंगे। और मैं वापस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि जो जो भी हमारे इस वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स को फॉलो कर रहे हैं वो इस चीज़ का प्लीज़ प्रैक्टिस करें। कोडिंग जो है ये सारी मैं अपलोड करते जा रहा हूँ मेरी वेबसाइट पे, जो कि है nirankarinfotech.com। वहाँ पे जाके आपको वेब डिज़ाइनिंग का एक टैब मिलेगा, चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा भी देता हूँ आपको कहाँ जाना है। तो आपको जाना है nirankarinfotech.com के ऊपर। तो निरंकार, मेरा थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है इसलिए आप मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर देना। तो जैसे ही आप निरंकार इन्फोटेक पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा वेब डिज़ाइनिंग। तो वेब डिज़ाइनिंग सेक्शन में आपको जो है मेरे सारे ये वीडियोस आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। और जितनी कोडिंग्स मैं यहाँ पे करता हूँ वो सारी कोडिंग्स भी, जो भी ये कोडिंग्स हैं, ये सारी कोडिंग एज इट इज़ आपको यहाँ पे निरंकारी इन्फोटेक पे भी मिल जाएंगी, चाहे वो कोई भी वीडियो है, कोई भी सेक्शन है, आर्टिकल है। तो जैसे कि अभी मैं आपको ये खोल के बता भी देता हूँ, ये HTML फॉर्म का है, ठीक है। तो HTML फॉर्म के अंदर ये आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कोडिंग हमने यहाँ पे लिखी हुई है वो सारी कोडिंग यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आज के इस वीडियो के लिए तो इतना ही। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपको क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, ताकि जो है हम इस चीज़ को और आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करते चले साथ साथ में। और अगले वीडियो से हम CSS स्टार्ट करने वाले हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।